नमस्कार दोस्तों, मैं अजरेश कुमार। आप जानते होंगे कि अफगानिस्तान का माहौल किस तरह और किस तरह चल रहा है, देश और विदेशों में इसका माहौल किस तरह गर्दिश में आतंकवादियों के गिरफ्त में चंगुल में फंसा हुआ है। ऐसे में भारत के भी कुछ ऐसे श्रमिक मजदूर जो अफगानिस्तान के काबुल में और जगह जगह कंपनियों में फंस गए थे, ऐसे में भारत सरकार की अहम भूमिका निभाते हुए उन लोगों को उन जगहों से निकाला जा रहा है और भारत अपने वतन बुलाया जा रहा है। ऐसे में एक देवरिया जनपद का एक लाल जो भलोनी गांव का रहने वाला है, वो काबुल में फंस गया था और घर पे उसके माँ बाप का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। ऐसे में मीडिया को जानकारी होते ही इस खबर को अहम भूमिका दिखाते हुए पूरे भारत में फैलाने का काम किया। इसलिए सरकार ने सोचकर ऐसे शख्स को जो भलवनी गांव का रहने वाले हैं, नीतीश कुमार, उनको बुलाने का काम भारत सरकार ने किया। आइए हम चलते हैं और उन खबरों से रूबरू कराते हैं आपको कि कैसे और किस तरह वो कितने दिनों तक वहां फंसे रहे और क्या रहा और आगे इनकी क्या सोच रही और कैसे यहां तक पहुंचे। बात करते हैं नीतीश जी से। जी, आप बताएं हमारे दर्शकों को क्या और किस तरह आप वहां से आए और क्या माहौल रहा। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार गुप्ता। वहां का माहौल, हम लोग तो कंपनी में थे लेकिन जब बाहर निकले, जिस दिन हम लोग की फ्लाइट थी, बाहर निकलते समय हम लोग को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिलहाल हम तो गवर्नमेंट की तरफ से हमको बहुत सुविधाएं मिली है, जिसमें हमारे अमित कुमार जी सहयोगी थे, इंडियन एम्बेसी के, और जो ये भाई थे जो अफगानिस्तान के नागरिक थे, उन्होंने यहाँ तक लाने में बहुत मदद किया। जब हम लोग कंपनी से निकले तो हमारी मुलाकात उन लोगों से भी हुई जो वहाँ के इस समय जिसकी सत्ता चल रही है। तकरीबन हमको 3.5 घंटा लग गया अपने कंपनी से एयरपोर्ट आने में। आते आते वहाँ पे इतनी बहुत भारी संख्या में भीड़ है, वहाँ पे तकरीबन लाखों की भीड़ है। वहाँ पे आने जाने में भी दिक्कत है, खाने पीने को भी दिक्कत है। एयरपोर्ट के बाहर जो वहाँ के नागरिक हैं उनको तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। लेकिन वहाँ जो माहौल, आपको जिस तरह का माहौल क्या दिख रहा था, जैसे आप टीवी में समाचारों में जो दिख रहा है, जहाँ गोलियों से भुना जा रहा है, मारा जा रहा है, उनको तमाम यातनाएं दी जा रही हैं, उसमें क्या आपको दिखा और एयरपोर्ट पे क्या नज़ारा रहा? एयरपोर्ट की बात है तो एयरपोर्ट पे हम लोग यही देखे कि मतलब पब्लिक को डराने के लिए हवाई फायरिंग की जा रही थी। तकरीबन 10-15 लोगों की संख्या थी, उन लोगों में से कोई हवाई फायरिंग करता है, कोई डराता है, धमकाता है। वैसे पब्लिक है वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए, कहीं भाग नहीं रही है। अफरा तफरी का तो माहौल है वहाँ पे, लेकिन कोई डर नहीं रहा है, क्योंकि यही बस सोच रहा है कि हम अफगानिस्तान छोड़ के किसी दूसरे देश में चले जाएँ। लेकिन भारत गवर्नमेंट ने हम लोग को वहाँ से सुरक्षित निकाला है, जिसमें हमारे सहयोगी अमित कुमार जी रहे हैं और जो ये भाई रहे हैं, बाकी का कंपनी का मालिक भी सहयोग किया है एयरपोर्ट तक छोड़ने में। हम लोगों को एयरपोर्ट तक ला के छोड़े हैं। हम लोग को तालिबानी, आगे उनकी गाड़ी थी, पीछे उनकी गाड़ी थी, बीच में हम लोग की गाड़ियां थी, ताकि हम सेफ और सुरक्षित एयरपोर्ट तक चले आएँ। नीतीश जी, एक बात और जानना चाहेंगे, जब आप वहाँ से काबुल से अपने कंपनी से बाहर निकले और जब एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे, तो आपको अंदर क्या महसूस अंदर हो रहा था, किस तरह की बातें हो रही थी अंदर, क्या फील हो रहा था कि हम घर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, क्या माहौल था, ये हमको हमारे दर्शकों को बताइए। जहाँ तक बात रही कि हमको घर पहुँचने की, तो जब हम कंपनी से निकले तभी भी सोच के निकले थे कि हमको तो अपने वतन जाना ही है। इसके लिए डर वाली बात नहीं थी, क्योंकि हमारे कंपनी के सभी सहयोगी कामगार जो भी थे, हम लोग हिम्मत वाले थे। हम लोग स्टील प्लांट में काम करते हैं, इसके लिए हम लोग के अंदर डर वाली बात नहीं थी। लेकिन जब ही मुलाकात हुई इन लोग से तो थोड़ा बहुत डर हुआ, लेकिन डरे नहीं हम लोग। जैसे वो लोग बात किए हिंदी में, हम भी लोग हिंदी में ही जवाब देते गए, तो इसके लिए हम लोग को कभी डर का माहौल नहीं बना। जब आप एयरपोर्ट से जब जहाज आपकी लैंड कर गई भारत के लिए, अपने वतन के लिए, तो आपको अंदर बैठने के बाद और भारत आके अपने घर पहुंचने के बाद क्या आपने महसूस किया और कितनी खुशी महसूस हुई? पहली बात तो जब हम लोग फ्लाइट को देखे तो बहुत खुशी हुई। वायुसेना का विमान था C-17 ग्लोब मास्टर,
जिसमें हमारे जो एयरपोर्ट विमान के संचालक थे सभी इंडियन थे, हिंदी बोल रहे थे। तो पहले तो हम लोग जाते जाते भारत माता की जय का नारा लगाए कम से कम 10 बार तक, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारा लगाए। उसमें हमारे साथ कुछ अफगानी नागरिक भी थे लेकिन उन्होंने कभी जय नारा नहीं लगाया। हम लोग को यही खुशी हो रही थी कि हम लोग अपने वतन वापस जा रहे हैं, फिर दोबारा आने का यहाँ तो सोचेंगे नहीं। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग सब एक साथ में आए। यहाँ पे गाजियाबाद में लैंडिंग हुई है फ्लाइट की, वहाँ पे भी चाय पानी का व्यवस्था था। सुबह के टाइम में 9:30 बजे तकरीबन हम लोग यहाँ पे लैंड कर चुके थे। वहाँ पे उतरने के बाद वहाँ पे मीडिया कर्मचारी थे, खड़े थे सभी चैनल वाले, लेकिन किसी सब हाय बाय किया गया। उसके बाद से अपने अपना जो वहाँ पे कागजी करवाई थी उसको हम लोग किए। उसके बाद से एयर सुविधा बस मिली, उसके बाद से हम लोग उसको फॉर्म को भरे, अपना इमिग्रेशन हुआ, उसके बाद से हमको आनंद टर्मिनल पे छोड़ा गया। उसके बाद सभी अपने अपने घर को वहाँ से प्रस्थान हुए हैं। जब घर पहुँचे माँ बाप को देखने के बाद माँ बाप के आंखों में किस तरह की खुशी थी, और आपको अपने परिवार में आने के बाद क्या खुशी महसूस हुई? परिवार में खुशी का माहौल तो बहुत अच्छा था। जब मैं अपने घर आया तो सभी लोग खुश थे देख के। एकाएक मैं आया भी था क्योंकि मोबाइल तो मेरा बंद हो चुका था, किसी से कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी। तो रक्षाबंधन के एक दिन बाद आया, फिर अपने बहन से राखी भी बंधवाया, वो भी बहुत खुश थी। घर के सभी लोग भी खुश थे, हम भी खुश थे कि अपने घर पे आ गए हैं और सब बढ़िया है। सभी मीडिया कर्मियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाया गया, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सुविधाएँ मुहैया कराई गई। बहुत अच्छा लगा कि हम अपने घर पर आ चुके हैं अभी इस वक्त। अभी आप नीतीश कुमार जी की बात सुने, नीतीश कुमार कितना उत्साहित और कितने खुशी उनके परिवार के लोग महसूस किए हैं, और किस तरह ये वहाँ से निकलने के बाद क्या इन्हें लगा, क्या हुआ, किस तरह पहुँचे, ये आपको हकीकत रूबरू कराया मैं और आपके और इनके परिवार के, इनके पिताजी से हम बात करेंगे। इनके पिताजी की आने के बाद अपने पुत्र को देखने के बाद क्या महसूस हुआ और क्या इच्छाएं रखते थे सरकार से, और वहां का माहौल देखने के बाद इनका अंदर कौन सा डर था, देखते हैं। अभी बात कराते हैं आपकी।